नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये भी एक वीडियो ऑन डिमांड ही है और इसकी जो डिमांड करी है वो बहुत सारे लोगों ने करी है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे लोग एक वीडियो की डिमांड कैसे कर सकते हैं, और इसलिए मुझे मजबूर होना पड़ा जल्द से जल्द इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली सैयद तुलकदार जी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कमर में बहुत दर्द है, उसका ट्रीटमेंट और डाइट बताइए, ठीक है ना। ये सैयद तुलकदार जी का कमेंट था। उसके अलावा मुकुल रॉय बैक एक पर वीडियो बनाई है ना। और अलग अलग अगर मैं सेक्शंस में जाऊं अलग अलग समय पे, तो लोगों ने ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। तो सभी को एक बहुत बिग शाउट आउट मेरी तरफ से कि आप लोगों ने मेरे को बताया कि इस पे वीडियो बनना चाहिए, और वैसे भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारी लिस्ट में था भी, ऊपर मैं कार्ड में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो ये जो बैक एक की बात हो रही है, बेसिकली ये लोग चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि मैं जो वीडियो का टॉपिक है वो ये रखना है कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस पे हमको आज हम बात करेंगे, और यही इस वीडियो का शीर्षक है कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, इसके क्या साइन है, क्या सिम्टम है, क्या कॉज है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो बैकएक है, बैकएक जो आज की तारीख में वो हर एक व्यक्ति की समस्या है। हर एक व्यक्ति, इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं। बच्चे मतलब अगर मैं 37-38 का हूँ भाई, तो अगर 18-20 साल का लड़का कोई लड़की आएगा और वो मुझे बोलेंगे कि बैकएक हो रहा है, तो मैं तो यही बोलूँगा ना कि एक बच्चे को बैकएक हो रहा है। तो देखिए 18-20 साल की उम्र से लेके मिडिल एज्ड, हाई एंड एज और ओल्ड एज, ये हर एक ग्रुप के अंदर, हर एक एज ग्रुप के अंदर, हर एक सेक्स के अंदर ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित बीमारी है आज की तारीख में। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बंदा होगा जो कभी ना कभी, जिसने अपनी लाइफ के किसी ना किसी एरा के अंदर बैकएक को नहीं महसूस करा हो। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और इसके पीछे जो जनरली पैथोलॉजी काम करती है, दैट इज व्हाट इज नोन एज द लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, जैसे कि ये नेक है, ये यहां से हमारी वर्टिब्रल कॉलम चालू होता है और वो खत्म होता है नीचे आके कमर पे, जहां पे हम बेल्ट बांधते हैं, कई बार तो उसके नीचे खत्म होता है हर बार, है ना। तो ये जो पूरा हमारा रीढ़ का हड्डी है, एक्चुअली ये यहां से चालू होता है गर्दन के पास से और हमारी वेस्ट के नीचे जाके खत्म होता है कोकिक्स पे। अब यहां पे 31 इसके अंदर हड्डियां होती हैं, और वही हमारे स्पाइनल कॉलम को बनाती है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम हमारे को क्या काम का आता है, ये हमारी बैकबोन है। ये बैकबोन मतलब हम लोगों के पोस्चर को इरेक्ट रखने के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस का होता है, वो होता है वर्टिब्रल कॉलम का, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे ब्रेन से जो मेडुला एब्लोंगेटा से जो मेन जो स्पाइनल कैनाल, स्पाइनल नर्व निकलती है, वो इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वाला जो कैनाल होता है, खाली स्पेस होता है, वहां पे ट्रेवल करती है। तो वो यहां से घुसती हैं और वो नीचे तक आती हैं, और हर एक रीढ़ की हड्डी के राइट और लेफ्ट के अंदर फोरामेंस होते हैं। फोरामेंस मतलब हड्डी के अंदर छेद, जहां से 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स के निकलते हैं। तो और उन नसों के थ्रू हमारा ब्रेन जो है वो अपने सिग्नल्स जो रहता है बॉडी को काम करने के लिए, जो आदेश होते हैं, जो ऑर्डर्स होता है, वो इसी पाथ से ट्रेवल होता हुआ ब्रेन से वो सिग्नल उत्पन्न होता है, मतलब उसका ओरिजिनेशन होता है, वो ट्रेवल करता है लंबर रीजन में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, और फिर अल्टीमेटली स्पाइनल नर्व के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन तक सिग्नल लेके आता है। तो दिस इज व्हाट इज द एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाइनल एंड वर्टिब्रल कॉलम फॉर अस। ये मैंने आपको ये बताया। अब इसके अंदर मेन चीज जो देखना है हमको कि क्या क्या होता है, कि ऐसा क्या हो जाता है कि भाई हम लोग जो है परेशान होने लगते हैं। तो व्हाट इज लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के क्या क्या लक्षण होते हैं, एमआरआई के ऊपर जो फाइंडिंग्स होती हैं हम उनको कैसा समझें। जनरली बहुत से लाखों पेशेंट हैं जिनके पास एमआरआई की रिपोर्ट होगी आज की तारीख में, पर वो जो पेशेंट है उस रिपोर्ट से क्या इंटरप्रिटेट खुद करें, और उनके डॉक्टर्स को क्या इंटरप्रिटेट करना है आज। चलिए इसको समझने के लिए हम दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आ जाते हैं व्हाट इज लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस
इज द टर्म गिवन टू द नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ द लंबर स्पाइनल डिस्क। मतलब अब मैं समझाता हूं इस चीज को कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब होता है कि जो नॉर्मल वियर एंड टीयर होता है, जो हमारी स्पाइनल डिस्क को जो वियर एंड टीयर जो डैमेज होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और विद द एडवांसमेंट ऑफ एज और विद द त्रुटि इन द सम पोस्चर, कई लोगों के बैठने के पोस्चर में गड़बड़ी होती है या फिर कई लोगों की लाइफ स्टाइल के अंदर गड़बड़ी होती है, उस गड़बड़ी के कारण जो वियर एंड टीयर फेस करता है हमारा लंबर स्पाइनल डिस्क में, उसको हम कहते हैं लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। एज वी एज, जैसे हमारी एजिंग होती है, स्पाइनल डिस्क लॉसेस द मॉइस्चर एंड श्रिंक। जैसे जैसे हमारी उम्र एडवांस होती है, अभी किस डिस्क की बात हो रही है ना, ये अभी मैं आगे आपको डायग्राम में बताऊंगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो जो स्पाइनल डिस्क होती है वो अपना मॉइस्चर लॉस करती है और श्रिंक होती है और वहां पे बोनी स्पर्स डेवलप होने लगते हैं बोनी स्पर्स एंड बोन बिकॉज वीकर, ये सब वीकर होने लगता है। ये सब अब मैं बताता हूं किसकी बात हो रही है दोस्तों। सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका डिजाइन कुछ ऐसा होता है कि ये हड्डी है, ये वर्टीब्री है, ये भी एक वर्टीब्री है और ये जो आपको कुशन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं इंटरवर्टीब्रल डिस्क। अब ये डिस्क हार्निएशन लिखा है इस चक्कर में अभी ना पढ़ना आप, है ना, वो मैं बताऊंगा क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो ये है हमारी रीढ़ की हड्डी, ठीक है ना, ये है हमारी रीढ़ की हड्डी है, दो वर्टीब्रीज है, इन दो वर्टीब्रीज, जब भी दो वर्टीब्री हड्डी होती है, अब आप कॉमन सेंस लगाइए कि हड्डी से हड्डी कैसे जुड़ेगी। अगर हड्डी से हड्डी डायरेक्ट जुड़ेगी तो वहां पे मैकेनिकल मोमेंट, मोटिलिटी, मोबिलिटी का कोई स्कोप नहीं रहेगा, क्योंकि हड्डी से जब भी हड्डी फ्यूज होगी वहां पे ऑस्टियोफाइट से अगर कैल्सिफिकेशन हो गया तो वो इमोबाइल हो जाएगी, ये चिन्ह घूमेगा नहीं, उसको एनक्लोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ईश्वर ने क्या करा कि दो हड्डियों के बीच में हमको एक डिस्क दे रखी है जिसको हम बोलते हैं इंटरवर्टीब्रल डिस्क। इंटर मतलब बीच में, वर्टीब्रल मतलब दो वर्टीब्री के बीच में एक डिस्क होती है, उस डिस्क को हम बोलते हैं इंटरवर्टीब्रल डिस्क, ठीक है ना। और ये इंटरवर्टीब्रल डिस्क है, यही हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सर्कुलर मूवमेंट जो हम ये कर रहे हैं ना, जैसे राइट और लेफ्ट में जो ये कर रहा हूं मैं मूवमेंट, ये मूवमेंट इसलिए पॉसिबल हो पाता है कि ये जो डिस्क होती है ना, ये डिस्क हमको स्पाइनल कॉर्ड को फ्रीली मूव करने का एक चांस और मौका देती है। बट दिक्कत क्या होती है कि विद द एडवांसमेंट ऑफ एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये जो डिस्क है ना, ये डिस्क जो है ये डिस्क का डीजनरेशन होने लगता है। ये डिस्क का डीजनरेशन कैसे होता है कि ये पतली हो जाती है, पतली हो जाती है मतलब ये श्रिंक होने लगती है, और ये श्रिंक होके अल्टीमेटली ये जो डिस्क है ये इतनी ज्यादा श्रिंक हो जाती है और इसमें कई पैथोलॉजीज डेवलप होती हैं और तब हम जो है अल्टीमेटली जाके एक बंदा लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट होता है। अब दोस्तों मेरे को गूगल पे बहुत ही खूबसूरत डायग्राम मिला जिसके अंदर आप एक डायग्राम में सब कुछ समझ सकते हैं कि भाई कितने प्रकार के फसाद होते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम जनरली एमआरआई के ऊपर हम डीजनरेशन ऑफ डिस्क भी पढ़ते हैं, हम बल्जिंग ऑफ डिस्क भी पढ़ते हैं, हम हर्निएशन ऑफ डिस्क भी पढ़ते हैं, हम थिनिंग ऑफ डिस्क भी पढ़ते हैं, है ना, डीजनरेशन विद द ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन ये भी हम पढ़ते हैं। तो ये सब होता क्या है, तो इसके लिए बड़ा खूबसूरत डायग्राम गूगल के ऊपर अवेलेबल था और वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये जो ऑरेंज कलर की है ये सब हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं जिसको हम वर्टीब्रीज बोलते हैं। ये जो व्हाइट कलर का आइटम उनके बीच में लगा है, ये जो होता है, ये होता है हमारी इंटरवर्टीब्रल डिस्क। ये वो कुशन है जो हमारी दो वर्टीब्रीज के बीच, दो वर्टीब्री के बीच में नॉर्मली पाया जाता है। तो ये है नॉर्मल डिस्क, आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्क। एक आम आदमी, एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर एक डिस्क का जो डिजाइन होता है, जो उसका फॉर्मेशन होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है। अब आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एग्जांपल है डीजनरेटिव डिस्क का। डीजनरेटिव डिस्क में क्या बताया था कि भाई वो क्या होता है, श्रिंक होने लगता है और श्रिंक के साथ साथ उसके अंदर मतलब केमिकल चेंजेस आने लगते हैं, तो उसका जो कुशन वाला टेक्सचर होता है, जो कुशनिंग टेक्सचर होता है, वो खत्म होने लगता है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द डीजनरेटिव डिस्क। दिस इज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डिस्क बल्जिंग। यहाँ पे पीछे की तरफ देख रहे हो, पीछे की तरफ एक छोटा सा घूमड़ा उठ रहा है,
छोटा सा मतलब जो डिस्क है ना वो अपनी वर्टिब्री की जो लिमिट है, जो परिधि है जितने में उसको होना चाहिए, उससे वो बाहर की तरफ निकलती है, तो इसको कहते हैं बल्जिंग। बल्ज मतलब कोई भी चीज का सीमा से बाहर जाने को बोलते बल्जिंग, है ना। तो ये बल्जिंग, ये वो इंग्लिश का बल्जिंग हो रहा है, ये बल्जिंग। आप ये बल्ज दिख रहे हैं अपने को, ये थोड़ा सा ये सूजा हुआ दिख रहा है कि ये बल्ज होके जो डिस्क है वो अपने परिधि को छोड़ के, अपनी बॉर्डर को छोड़ के बाहर जा रही है। जब यही बल्जिंग बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे होती है, दैट इज व्हाट इज नोन एज द हार्निएशन ऑफ डिस्क। ये देख रहे हैं हार्निएटेड डिस्क, कि जब थोड़ा बहुत उसके अंदर बल्जिंग हो रहा है, वो बाहर निकल रही है, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द बल्जिंग। और जब बहुत एक्सटेंशन पे ये बल्जिंग होती है, इतनी ज्यादा कि पीछे की नर्व्स तक को ये दबाने लगे, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द हार्निएटेड डिस्क। दिस इज द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द डिस्क थिनिंग। कई लोगों की डिस्क थिन हो जाती है। थिन मतलब वो बिल्कुल डिजेनरेट होते 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 वो जो हड्डी पास आने लगती है, तो ये डिस्क थिनिंग है। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्क डिजेनरेशन विद ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन। मतलब एनक्लोसिस की बात हो रही है। व्हाट इज एनक्लोसिस? कि जब कोई भी जॉइंट फ्यूज हो जाता है, फ्यूज मतलब उसके अंदर जो कुशनिंग है, कुशनिंग खत्म होने के बाद वहां पे ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होके वो जॉइंट का मूवमेंट खत्म हो जाता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज द एनक्लोसिस। और ये एनक्लोसिस लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का एग्जांपल बता रहे हैं, कि डिस्क बीच में से ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है और उस डिस्क की जगह कौन ले लेते हैं? ऑस्टियोफाइट्स। ऑस्टियोफाइट्स मतलब हड्डी बनाने वाले सेल्स, और वो हड्डी बनाने वाले सेल्स जब डिस्क की जगह लेते हैं तो ऊपर और नीचे की वर्टिब्री आपस में फ्यूज हो जाती है, और ये फ्यूज होने के बाद ये मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा इसके अंदर, तो दिस इज व्हाट इज नोन। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल था जिससे कि आप समझ पाए कि ये क्या है। देखिए उसी को, सेम चीज को ये दूसरे डायग्राम में, नॉर्मल डिस्क, ये डिजेनरेटिव डिस्क आप देख रहे हैं, ये जो बल्जिंग हो रही है, दिस इज व्हाट इज नोन एज द बल्जिंग ऑफ द डिस्क। ये देखिए बल्जिंग और ज्यादा हुई, हार्निएटेड डिस्क, और ये थिनिंग ऑफ द डिस्क। तो ये देख रहे हैं आप बिल्कुल इंटरवर्टिब्रल डिस्क गायब हो चुकी है और एकदम वो दोनों आपस में फ्यूज हो गया। इसमें से जो दो सिनेरियो जो बहुत कॉमनली देखने में आते हैं और जो सबसे ज्यादा मेजर पॉपुलेशन के अंदर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में हम लोग देखते हैं, वो जो दो सिनेरियो हैं, दैट इज द डिस्क हार्निएशन एंड बल्जिंग। तो इसको हम थोड़ा सेपरेटली समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया डिस्क बल्जिंग का एग्जांपल, कि ये बल्ज मतलब जो थोड़ा बहुत बाहर आ रहा हो इसको बोलते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है पोस्टीरियर डिस्क बल्ज, है ना। ये पोस्टीरियर डिस्क बल्ज का एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि पोस्टीरियर डिस्क बल्ज, बल्जिंग क्या होती है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये देखिए बल्जिंग ये होती है, ये जो है ना ये डिस्क है, ब्लू कलर की ये डिस्क है, और ये डिस्क जब ये हल्की सी अपनी बॉर्डर को छोड़ के बाहर आएगी, ठीक है ना, और नर्व को हल्का सा पिंच करेगी, बहुत हल्का सा दबाएगी। हमेशा याद रखिए कि डिस्क बल्ज का सुपरलेटिव फॉर्म होता है डिस्क हार्निएशन, कि डिस्क बल्ज में बहुत हल्का सा कंप्रेशन, नर्व कंप्रेशन होता है, बहुत हल्का सा, पर हार्निएशन में बहुत ज्यादा वो होता है, वो अपन वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दिस इज द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिस्क बल्ज, है ना। एक और एग्जांपल ये है, ये डिस्क बल्ज का एग्जांपल है, कि दिस इज व्हाट इज, ये देखो छोटा सा हिस्सा इंटरवर्टिब्रल डिस्क का स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करने के लिए आ रहा है, दिस इज व्हाट इज नोन एज द डिस्क बल्जिंग। ये बहुत कॉमनली पाया जाता है इन लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट के MRI के अंदर। एंड द सेकेंड वर्ड, दिस इज द हार्निएशन। मित्रों ये हार्निएशन है, कि हार्निएशन मतलब बल्जिंग का सुपीरियर रूप। ये नॉर्मल डिस्क ऐसी होती है, आप देख रहे हैं ये जो है डिस्क है ना। अब जब ये डिस्क जो है ये इतना ज्यादा बाहर अपनी सीमा को छोड़ करके निकल जाए कि प्रैक्टिकली स्पाइनल कॉर्ड और नर्व का कंप्रेशन हो जाए, और यही बोलते हैं नर्व कंप्रेशन होना, इसी को कहते हैं नर्व कंप्रेशन होना, ठीक है ना। तो ये जो है आपने समझा कि भाई लंबर स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है। अब आप लोग बड़ा गौर से समझिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लंबर स्पॉन्डिलाइटिस एंड शाइटिका। लोगों को यही नहीं पता कि भाई जब लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होगा, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होगा मतलब कि जब ये जो मैंने आपको पूरी पैथोलॉजी बताई, ये जब ये होगा तो इसको शियाटिका से या किस तरह से जुदा है, हमको वो चीज देखनी है ना। ये बिल्कुल जुदा नहीं है, मैं आपको बताता हूं ये कैसे, ये मैं शियाटिका के बारे में बताता हूं, एक मिनट।
शिया, लोगों को यही नहीं पता कि ये दो बीमारियां ऑलमोस्ट सेम होती हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि मैंने आपको यहाँ पे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में कहा से लेके गया ज्ञानी तक पूरा मैंने आपको हर चीज बता दिया। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि व्हाट इज शियाटिका, शियाटिका होता क्या है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि L4, 5, S1, S2, S3 ये जो पांच नर्व निकलती हैं, मतलब लंबर रीजन में, लंबर रीजन में पांच वर्टिब्री होती है लंबर रीजन में, L1 से लेके L5 तक। उसके बाद जो नंबर लगता है सैक्रम का लगता है, सैक्रम में भी बेसिकली पांच होती हैं पर आखिरी की कुछ फ्यूज हो जाती है। तो जब L4, L5, S1, S2, S3 ये यहां से जितने भी ये नर्व स्पाइनल नर्व निकलती हैं, ये सब मिलके, ये सब ज्वाइंट होके एक नर्व बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं शियाटिक नर्व। मेरी बात समझो, है ना, इसको कहते हैं हम शियाटिक नर्व। मतलब L4, 5, S1, S2, S3 ये जो पांच जो वर्टिब्री हैं, इन पांच वर्टिब्री से जो पांच नर्व निकलती है, पांच राइट में पांच लेफ्ट में, तो नीचे आने के बाद कूले के आसपास ये पांच की पांच नर्व मिल जाती हैं। और ये पांच की पांच, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये पांच की पांच मिली और ये जो बड़ी मोटी नर्व बनती है ये होती है शियाटिक नर्व। एंड शियाटिक नर्व इज वन ऑफ द थिकेस्ट नर्व इन द ह्यूमन बॉडी। कहते हैं 1 से 1.5 से 2 सेंटीमीटर मोटी होती है, ये कहा जाता है 2 सेंटीमीटर मोटी होती है। पोस्टमार्टम में यू कैन टेक इट इन योर हैंड, एक पीएम करोगे ना जब, तो पीएम के बंदे के अंदर, जो बंदे का पीएम करोगे उसके अंदर आप इसको हाथ में निकाल सकते हैं। और जब भी नर्व कंप्रेशन होता है, मैंने क्या बताया कि जब भी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट होगा और उसके अंदर ये इस रीजन में जब भी नर्व कंप्रेशन होगा, कैसे होगा नर्व कंप्रेशन, या तो डिस्क बल्जिंग होगी या हार्निएशन होगा। तो फर्ज करो आप कि यहां पे मान लो L5, S1, S2 ये तीन नर्व, जो तीन, ये जो चार वर्टिब्री हैं, तो चार वर्टिब्री मतलब 1, 2, 3, 4 वर्टिब्री मतलब तीन नर्व निकलेंगे। मेरी बात समझो, चार वर्टिब्री तो 2 वर्टिब्री बीच के बीच से जो फोरामेन होता है वहां से एक नर्व निकलती है, तो 4 वर्टिब्री से कितनी नर्व निकलेंगी, 3। तो फर्ज करो यहां पे इसको L5, S1, S2, S3 यहां पे ये चार वर्टिब्री, चार इसके अगल बगल की चार वर्टिब्रल डिस्क में इसको हार्निएशन हो रहा है। तो जब इसको ये हार्निएशन होगा और यहां पे नर्व कंप्रेशन होगा, तो दोस्तों यहां का जो नर्व कंप्रेशन होगा उसका पेन सीधा रिफर होगा शियाटिक नर्व के रूट पर। मेरी बात आई समझ में आपको? एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज द शियाटिका। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लंबर स्पॉन्डिलाइटिस एंड शियाटिका। और मजेदार बात है, डिफरेंस है ही नहीं कुछ दोस्तों, कोई डिफरेंस नहीं इन दोनों के अंदर, शियाटिका और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में देयर इज नो डिफरेंस। क्यों? क्योंकि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस इज द ब्रॉड टर्म कि वहां पे पैथोलॉजी क्या कमर में डेवलप हो रही है, लंबर रीजन में क्या पैथोलॉजी डेवलप हो रही है, वो क्या होगा, वो होगा लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, एक ब्रॉड टर्म हो गई। इस ब्रॉड टर्म के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी है वो 3-4 प्रकार की होती है। हमने ये देखा कि वहां पे या तो डिस्क की बल्जिंग हो सकती है, हार्निएशन हो सकता है, डिस्क की थिनिंग हो सकती है, या फिर ऑस्टियोफाइट रीजनरेशन के कारण वहां पे हो सकता है डिस्क फ्यूज हो जाए, है ना, या फिर डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज हो। तो ये जो था, ये लंबर स्पॉन्डिलाइटिस को पैदा करने वाली बेसिक माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजीज पढ़ी हमने पांच। कौन सी? डिस्क हार्निएशन, डिस्क बल्जिंग, डिजेनरेशन, फलाना ढिमका, ये सब क्या पैथोलॉजीज है। और इसका जो मैनिफेस्टेशन होता है, मतलब कहने का कि जो लंबर रीजन में L4, 5, S1, S2, S3 यहां पे जब इस रीजन में यहां पे पैथोलॉजीज पाई जाएंगी, यहां पे स्पॉन्डिलाइटिस होगा, तो वो स्पॉन्डिलाइटिस, अब क्योंकि यहां से जो पांच छोटी छोटी पांच नर्व निकल रही हैं, वो आगे जाके पांचों की पांचों मिलके, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये पांच की पांच मिलके क्या बना रही है, शियाटिक नर्व बना रही है। तो इसलिए जब भी यहां पे स्पॉन्डिलाइटिस का असर होगा, मतलब L4, 5, S1, S2, S3 में जब यहां पे डिस्क बल्जिंग होगी, हार्निएशन होगा, डिस्क डिजेनरेशन होगा, डिस्क थिनिंग होगी, तो यहां का जो पेन होगा वो आगे की तरफ कहां रिफर होगा, वो रिफर होगा शियाटिक नर्व में। एंड दैट इज व्हाई शियाटिका इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। ये देखिए, समझिए, रिलेशन समझना जरूरी है
कि शियाटिका इज द रिलेशन, इज द मैनिफेस्टेशन, शियाटिका इज दैट सिम्टम, शियाटिका इज दैट नर्व पेन विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू लंबर स्पॉन्डिलाइटिस एंड ऑल द पैथोलॉजीज विच आर अंडरलेइंग द लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप इसकी पैथोलॉजी को 20 मिनट में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि व्हाट इज लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस किन किन कारणों से होता है और इसका शियाटिका से क्या रिलेशन है, शियाटिका और ये दोनों किस तरह से अलग है। अब दोस्तों बिना समय बर्बाद किए सीधा सीधा आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे, सीधा बिंदास अपन ट्रीटमेंट करेंगे। यहां पर जो ट्रीटमेंट के अंदर जो तीन होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेना है, ये जो मेडिसिन है लगभग 70-80% लोगों को पक्के में फायदा होगा, इसमें से कुछ आपको पता होंगी शायद कुछ ना पता हो, तो वो मैं बताता हूं, है ना। सबसे पहली मेडिसिन जो 90% बंदों को पता है इसके ऊपर, वो है रस टॉक्सिको डेंड्रॉन, रस्टॉक्स। रस्टॉक्स के ड्रग पिक्चर में ही ये बात लिखी है कि रस्टॉक्स का जो एक्शन होता है वो फाइब्रस टिश्यूज पे होता है, शीथ, शीथ मतलब नर्व शीथ के ऊपर होता है, मसल्स के ऊपर जो शीथ चढ़ी होती है, शीथ मतलब कवरिंग, लिगामेंट्स, टेंडन्स, फाइब्रिनस पोर्शन ऑफ ज्वाइंट, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर पे रस्टॉक्स का बहुत बढ़िया काम है। और आमतौर पे हमको एक स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट के अंदर हमको चित्रगत लक्षण तो रस्टॉक्स के ही दिखते हैं, वो क्या होते हैं कि स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट की सबसे बड़ी दिक्कत रहती है वो बहुत देर बैठ नहीं सकता, वो अगर बैठा रहेगा ना तो उसकी कमर में स्टिफनेस आ जाएगा, जैसे रात भर अखी रात सोया वो, तो सवेरे जैसे ही बिस्तर पे आंख खुलेगी तो ही विल फील वेरी स्टिफ बैक, उसकी बैक बहुत स्टिफ होगी, तो रेस्ट से एग्रेवेशन। दूसरा फर्स्ट मोशन पे एग्रेवेशन, अब जब सवेरे सवेरे बिस्तर छोड़ेगा तो जो पहले मोशन, पहला मोशन वो टट्टी वाला मोशन की बात नहीं कर रहा, मूवमेंट की बात कर रहा हूं, कि जो वो वेन एवर ही मेक हिज फर्स्ट मूवमेंट टू गेट आउट ऑफ द बेड, वो बिस्तर से बाहर आने की कोशिश करेगा, एट दैट पॉइंट ही विल फील अ वेरी वेरी सीवियर पेन उसको, और वो क्या होगा कि वो तो दूसरा सिम्टम रस्टॉक्स का क्या, पहला रेस्ट पे एग्रेवेशन, दूसरा फर्स्ट मूवमेंट पे एग्रेवेशन, एंड थर्ड अब जब वो रोलिंग बन जाएगी इसकी, ये चलने फिरने लगेगा टिकी 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 टिकी, थोड़ी देर तक उठते के साथ ही घूमेगा, तो वो घूमने से जो एम्यूलरेशन मिलता है इसको, मूवमेंट से, मोशन से एम्यूलरेशन, कंटिन्यूड मोशन से एम्यूलरेशन, दैट इज वाय द रस्टॉक्स। तो पहली मेडिसिन है रस्टॉक्स, जो दूसरी मेडिसिन है इसके लिए दैट इज द कल्केरिया कार्ब, लोगों को नहीं पता है। अब आप ये देखिए ना कि यहां पे जो रीढ़ की हड्डी है वहां पे बोनी स्ट्रक्चर के आसपास प्रॉब्लम है और कैल्शियम, पहला कारण ये, दूसरा कारण कल्केरिया कार्ब इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द रूमेटिक आइलमेंट, एंड द थर्ड रीजन इज दैट कि कल्केरिया कार्ब इज द नेचुरल कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ रस्टॉक्स, ये रस्टॉक्स को कॉम्प्लीमेंट करता है इन द रूमेटिज्म, है ना। तो द सेकेंड मेडिसिन इज द रस्टॉक्स एंड द थर्ड मेडिसिन इज द सल्फर, सल्फर इज फॉर द एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट, क्योंकि ये जो बीमारी होती है जनरली क्रॉनिक होती है, अब क्रॉनिक होने के कारण इसके ऊपर माइजमेटिक शेल होता है, वो शेल कैसे तोड़ोगे भाई, वो जब तक शेल हम नहीं तोड़ेंगे ना तब तक ये आपकी रस्टॉक्स काम घंटा नहीं करेगी और लोगों की नहीं करती। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, डॉक्टर्स मेरे को मिलते हैं सेमिनार में, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है भाई सर काम ही नहीं करती मेडिसिन, हमको दिख रहा बिल्कुल साफ साफ वो लक्षण बता रहा है कि भाई मेरे सारे लक्षण रस्टॉक्स से, रस्टॉक्स के सिम्टम और डिजीज पिक्चर चीक चीक के सामने आता है बट रस्टॉक्स काम नहीं करती, तो वो शेल तोड़ने के लिए सल्फर। तो द थ्री मेडिसिन है रस्टॉक्स 30, कल्केरिया कार्ब 30 एंड सल्फर 30, तीनों को दिन भर में 3 बार लेना है, 5-5 मिनट के अंतराल से 4-4 गोली, और हर बार की तरह अगर सालों की बीमारी है तो कुछ महीने इलाज करेंगे, कुछ महीनों की बीमारी है तो कुछ हफ्ते इलाज करेंगे, और कुछ हफ्तों की बीमारी है तो फिर भी कुछ दिन तो इलाज करेंगे। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आएगा, इसमें बताई गई दवाएं आप खुद ले सकते हैं अगर आप पेशेंट हैं पर अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के बाद, और अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपने पेशेंट्स को ये दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है 90% केसेस के अंदर आपको इन दवाओं का रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया तो प्लीज लाइक करें बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा कंटेंट लगता है, ज्ञानप्रद लगता है, इसको लोगों के साथ शेयर करें। बहुत जल्द आपसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।